तो आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगर आप एसआईपी या फिर लमसम के जरिए निवेश करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से जानने वाले हैं कि हर महीने अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए अगले 10 साल, 20 साल या फिर 30 सालों तक जमा करते हो तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है और किस तरीके से आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको आसानी से अचीव कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें भी हम देखने वाले हैं कि एक्सेल कैलकुलेटर कैसे आपको मदद करेगा आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए। और एज अ बोनस आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है म्यूचुअल फंड में आप उसको यूज कर सकते हो फाइनेंशियल गोल को टाइम से पहले अचीव करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने लंबे समय के लिए अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो उतना ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। समझो पहले 10 साल में आपने 50 लाख रुपए तक जमा कर लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट के जरिए तो अगला जो 50 लाख रुपए है वो मात्र 2 या फिर 3 साल ही लगेंगे आपको जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें जमा करने के लिए। अब दोस्तों ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन के जरिए समझें, सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है उसका 1% होता है 1,000 रुपए, लेकिन उसी पोर्टफोलियो में समझो अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कर लिए हैं ऑलरेडी टाइम के साथ यानी कि 5 साल या फिर 10 सालों में, तो दोस्तों 1% का प्रॉफिट इस पे होता है 10,000 रुपए। तो कहां आपको 1,000 रुपए मिल रहा था 1 लाख रुपए पे और अब आपको 10,000 रुपए मिलेंगे उसी 1% के रिटर्न पे। और दोस्तों इसी के वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टाइम के साथ आपका जो भी पोर्टफोलियो अमाउंट है आप उसको इंक्रीज कीजिए ताकि जो भी रिटर्न आपको मिले डेली या फिर मंथली बेसिस पे वो आपका जो प्रॉफिट है उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। तो दोस्तों ये भी चीज हम देखने वाले हैं हमारे एक्सेल कैलकुलेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में आप बहुत ही आसानी से आपका जो एसआईपी रिटर्न्स है डिफरेंट एसआईपी अमाउंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 साल से लेके 30 साल तक आपको कितना टोटल डिपॉजिट देना होगा और इसके हिसाब से आपका टोटल अमाउंट और टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है। और इसी एक्सेल कैलकुलेटर में मैंने लमसम रिटर्न्स का भी यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाया है जो कि 5 साल से लेके 30 साल तक आप चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप एसआईपी और लमसम अमाउंट बहुत ही आसानी से मेंशन करके जान सकते हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से आपको इन सालों में कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो समझो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम 500 रुपए मेंशन करते हैं एसआईपी अमाउंट, यानी कि हर महीने आप 500 रुपए जमा करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर पे प्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो 1 साल से लेके 30 साल तक अगर आप कंटिन्यूअसली 500 रुपए जमा करोगे तो इतना आपका टोटल डिपॉजिट होगा। 1 साल में 6,000 रुपए का टोटल डिपॉजिट होता है 500 रुपए हर महीने के हिसाब से। और फिर यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से वो है 6,405 रुपीज। अब दोस्तों पिछले 15 या फिर 20 सालों में हमने यही देखा है कि निफ्टी या फिर सेंसेक्स में हमें ऑन एवरेज 12% का रिटर्न मिला हुआ है। तो इसी रिटर्न को हमने कंसिडर किया है। हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में ऑन एवरेज आपको 10% या फिर 14% मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। समझो अगर आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स मिलता है अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हो या फिर उन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, तो समझो यहाँ पे हमने 15% का जैसे ही हमने रिटर्न्स डाला आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर पे प्रेस करता हूँ जो आपका 6,400 रुपीज टोटल अमाउंट था वो अब हो गया है 6,511 रुपीज। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 35 लाख रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है 30 साल में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो जितना लंबे समय के लिए अगर आपने एसआईपी को कंटिन्यू रखा उतना ही ज्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। 5 साल में आपका टोटल डिपॉजिट होता है 30,000 रुपए का, लेकिन आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 44,841 रुपीज। इसी तरीके से 10 साल में जो है 60,000 के टोटल डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 1,39,329 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट। और जितने लंबे समय के लिए आपने रखा उतना ही मैच्योरिटी अमाउंट आपका इंक्रीज होते जाएगा। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्टिंग के सालों में आपका जो रिटर्न है वो स्लोली ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही आपने 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स का मार्क क्रॉस किया उसके बाद जो है आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही क्विकली ऊपर जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों 10 साल या फिर 15 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि 1% या फिर 2% भी अगर इंक्रीज होता है आपके पोर्टफोलियो में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 10 साल में 1,39,000 रुपीज का आपका टोटल
टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है, लेकिन और 5 साल अगर आप कंटिन्यू करोगे तो इसमें आपको डबल से भी ज्यादा आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा, जो कि है 3,38,000 रुपीज। और 5 साल कंटिन्यू करने पे आपका जो SIP है वो 7,57,977 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रही 500 रुपए के SIP अमाउंट की बात। अब दोस्तों अगर आप 1,000 रुपीज भी जमा करते हो तो आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो और ज्यादा होगा। तो जैसे ही हम 1,000 पे यहाँ पे मेंशन करते हैं और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम इसको 12% का रखेंगे, जो कि ऑन एवरेज हमें मिला हुआ है पिछले 15 या फिर 20 सालों में। तो जैसे कि आप देख सकते हो 30 साल में आपका 35,29,914 रुपीज का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है मात्र 1,000 रुपए के SIP अमाउंट पे। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप 2,000 रुपए का SIP करते हो तो जैसे ही हमने 2,000 रुपीज मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो 70,59,828 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 30 साल में, अगर आप कंटिन्यूअसली हर महीने 2,000 रुपए का SIP जो है उसको कंटिन्यू रखते हो। इस प्रकार से आप बाकी का जो अमाउंट है, समझो 5,000 रुपीज का SIP अमाउंट है, तो आप उतना अमाउंट मेंशन करके जान सकते हो कि कितने साल में आपका कितना अमाउंट जो है वो मिल सकता है आपको, और आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो। यहाँ पे समझो अगर आपका फाइनेंशियल गोल 50 लाख रुपीज का है तो 5,000 रुपए के SIP पे लगभग 20 साल में आपको 49,95,740 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है 12% के रिटर्न के हिसाब से। अब दोस्तों इस रिटर्न में से आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स भी पे करना होगा। तो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो SIP के जरिए जब आप निवेश करते हो तो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। आप टैक्स हार्वेस्टिंग की मदद से भी आपका जो भी इनकम टैक्स होता है उसको आप बचा सकते हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होता है, जिसका जो टैक्स एक्सेम्पशन की लिमिट है 1.25 लाख है एक फाइनेंशियल ईयर में, आप उसको क्लेम कर सकते हो हर साल के हिसाब से, और वापस से उस अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे काम करता है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो कि आप चेक कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे लमसम रिटर्न जो है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो समझो अगर आपके पास 20,000 रुपए इकट्ठे हो गए और आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए अगले 5 साल या फिर 10 साल तक के लिए, तो यहाँ पे आपको आके सिंपली 50,000 रुपीज जो है वो मेंशन करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपका डिपॉजिट यहाँ पे मेंशन किया गया है, और कितना अमाउंट मिलेगा आपके टेन्योर के हिसाब से वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है इस एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। तो दोस्तों इतना अमाउंट आपको मिल सकता है 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल के बाद। तो अगर आप देखो 20 साल में आपका जो 50,000 रुपए है वो हो गया है 5,44,628 रुपीज टैक्स पे करने से पहले। तो इस पे भी आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स पे करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से, क्योंकि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल के ऊपर है। अब ये एक्सेल कैलकुलेटर आप बहुत ही आसानी से मेरी वेबसाइट जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कई सारे डिटेल्स भी मेंशन की है कि SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या एडवांटेजेस हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे डाउनलोड SIP एंड लमसम रिटर्न्स कैलकुलेटर, इस फॉर्म को फिल करके आप जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट पे कैलकुलेटर्स का पेज दिया है, तो सिंपली आप गूगल पे आइए और सर्च कीजिए फिनकेल्सी SIP कैलकुलेटर। जैसे ही आपने फिनकेल्सी SIP कैलकुलेटर सर्च किया, जैसे कि आप देख सकते हो फिनकेल्सी ब्लॉग पे म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर रिटर्न का जो लिंक है वो आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये SIP कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो SIP अमाउंट है उसको मेंशन करके चेक कर सकते हो कि कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये सेम रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। समझो अगर आपने 5,000 रुपीज एज SIP अमाउंट डिपॉजिट किया 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पे हम 5,000 को मेंशन करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 12% रखेंगे, और 20 इयर्स के लिए कितना रिटर्न्स होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट जो है 49,95,740 रुपीज है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 49,95,740 रुपीज। तो या तो आप ये एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करके जान सकते हो कि इन 10 इयर्स के लिए आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट हो सकता है टैक्स पे करने से पहले, या फिर आप ये ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते
सकते हो मेरी वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर आपका रिटर्न्स जानने के लिए। इसके अलावा कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये कैलकुलेटर्स का सेक्शन है। तो इसको हम ओपन करेंगे एक न्यू विंडो में और फिर यहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो आप इनको यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और यहाँ पे दोस्तों मैंने समराइज किया है कि 20 सालों में अगर आपका डिफरेंट SIP अमाउंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो 500 रुपये या फिर 1000 रुपये से अगर आप शुरू करते हो और फिर 1,00,000 रुपये तक अगर आपका SIP अमाउंट होता है तो इतना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। तो समझो अगर आपका 1,00,000,000 रुपये का गोल है तो सिंपली आप 20 साल में 10,000 रुपये का SIP अमाउंट शुरू कर सकते हो। 20 साल के बाद आपको लगभग 99,91,479 रुपीज का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। और अगर आपका इससे ज्यादा का गोल है तो आपका जो SIP अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा आपको, या फिर आप अपना जो टेन्योर है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपको SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न्स मिल सकता है। आप कितने अमाउंट का SIP शुरू करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आपका SIP चल रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप मेरा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आप बहुत ही आसानी से SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको जान सकते हो। इस एंड्रॉइड ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinCalCTV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।